5 दिन से सामान आगे पड़ा था जो मैंने आपको बताया था कि CBR पे काम होने वाला, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। टाइम ना मिलने की वजह से वीडियो नहीं शूट करने मिला था, बट आज फाइनली टाइम मिला है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आज है दशहरे का दिन, तो हैप्पी दशहरा टू वन एंड ऑल। तो कुछ दिनों से मैं मेरी CBR में प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था, और वो ये थे कि मेरी बाइक बार बार बंद पड़ जा रही थी। आई मीन टू से इज कि मैं बाइक चला रहा था तो कभी भी कहीं पे भी मैं जब बाइक बंद करता था, उसके बाद जब स्टार्ट करने लगता तो बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। द मेन इशू वॉज द बैटरी। बैटरी पर मैंने चेंज किया था, मैंने न्यू बैटरी डाला था। वो अगर आपने वीडियो देखा नहीं तो आई बटन में लिंक आ रहा होगा, आप चेकआउट कर सकते हो। वो बैटरी डालने के बाद फिर मैंने फुल फ्लेज सर्विस भी कराया बाइक की, मतलब बाइक एकदम मक्खन हो गई थी, मस्का। अभी भी बाइक बहुत अच्छी चल रही है, बट द थिंग इज बैटरी से मैं बहुत बड़ा इशू फेस कर रहा हूँ, जो कि बाइक बंद पड़ जा रही है। मैंने मैकेनिक को बुलाया, मैकेनिक ने चेक किया, मैकेनिक ने बताया कि आपकी बैटरी चार्ज नहीं हो पा रही बराबर से। बैटरी बराबर है बट रेक्टिफायर जो है हमारे बाइक में, वो बराबर से बैटरी रनिंग में चार्ज नहीं कर पा रहा है। सो उसने क्या किया, उसने वोल्ट मीटर लाया। सो वोल्ट मीटर से चेक कैसे करते हैं, एक पॉइंट आपको रखना पड़ता है पॉजिटिव पे, एक पॉइंट रखना पड़ता है नेगेटिव पे। बाइक आपको स्टार्ट करनी पड़ती है, और बाइक स्टार्ट करने के बाद आपको 12 वॉट का, अगर आपका बैटरी है तो 12 वॉट तो आपको दिखाई गई, पर आप जब एक्सेलरेट करोगे तो वो 12 से आगे बढ़ेगा, मतलब 13-14 ऐसा दिखाएगा आपको। 14 तक का मैक्स वो जाता ही है, मतलब कि आपकी बैटरी चार्ज हो रही है जब आप एक्सेलरेट कर रहे हो, मतलब आप जब मोशन में होंगे तब। बट मेरी बाइक में ऐसा हो रहा है कि जब वोल्ट मीटर लगाने के बाद एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो 12 वॉट के ऊपर बाइक नहीं जा रही है, मतलब कि ये है कि बाइक वाइल्ड मोशन में चार्ज नहीं हो रही है, तो इस वजह से मेरी बैटरी बार बार डाउन हो रही है। मेरे मैकेनिक ने एक आइडिया लगाया कि उसके पास में एक हीरो होंडा की करिश्मा ZMR खड़ी थी, करिश्मा ZMR के अंदर में जो रेक्टिफायर आता है वो सेम CBR के अंदर भी सेम है एग्जैक्टली। सो उसने वो रेक्टिफायर निकाला और इसने मेरी बाइक में लगाया, और फिर बाद में उसने स्टार्ट करके चेक किया, फिर भी बैटरी पे जो वोल्टेज मीटर है हम लगाने के बाद भी हम लोगों ने चेक किया तो 12 वॉट ही आ रहा था, उसके ऊपर नहीं जा रहा था, मतलब कि रेक्टिफायर में भी मेरे बाइक की प्रॉब्लम नहीं है। जो प्रॉब्लम है वो है मैग्नेट कॉइल की। सो मैंने मैग्नेट कॉइल भी मंगा चुका हूँ, और उसका जो प्राइस था वो ऑलमोस्ट था 2750 रुपीज़ का। ये जो है ये जेन्युइन होंडा का ही आता है, कोई और ब्रांड इसे नहीं बनाता है। सो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं मैकेनिक को बुलाने वाला हूँ, और जो पार्ट है जो मैग्नेट कॉइल है वो लगाने वाला हूँ मेरी बाइक के अंदर। ऐसे एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ, मैग्नेट कॉइल जो है वो एक ऐसा पार्ट है जो आपकी बाइक के अंदर में आप वाइल इन मोशन, आपकी जो रेक्टिफायर के थ्रू आपकी बैटरी को वो वाइल इन मोशन चार्ज करता है, या जब आइडल होती है तब भी। अगर आपकी बाइक में मैग्नेट कॉइल खराब होगा तो आपकी बैटरी वाइल इन मोशन या आइडल आप अगर खड़ा रखोगे तो चार्ज नहीं होगी, बल्कि बैटरी खाएगी, और अगर और बैटरी खाएगी तो आप जब बाइक बंद करोगे फिर वापस जब स्टार्ट करने की कोशिश करोगे तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी। सो और भी बड़ा एक प्रॉब्लम हो जाता है अगर स्पेशली ऐसी बाइक हो जिसके अंदर में किक स्टार्ट नहीं आता हो, जैसे कि CBR होगी, डोमिनर होगी, तो उसके अंदर में किक स्टार्ट का ऑप्शन नहीं आता है, तो उसमें तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि धक्का मारो या टो करो, सेकंड गियर में स्टार्ट करो। बट अनफॉर्चुनेटली अगर कोई प्रॉब्लम होता है और बाइक बंद पड़ जाती है कहीं पे भी तो बस लग गए। सो आज वो काम करेंगे। सो गाइस, दिस इज द बॉक्स, इसमें मैग्नेट कॉइल आया है, और कुछ इस तरीके से मैग्नेट कॉइल है वो दिखता है। तो ये पार्ट जो है वो यहाँ पे लगा होता है, ये खोलना पड़ेगा हमें, और उसके बाद फिर ये इंस्टॉल करना। सो द प्राइस ऑन द बॉक्स इज 2807, बट मुझे 2750 में मिला है, क्योंकि MRP पे बॉक्स कुछ नहीं बिकता है यहाँ पर। और जब ये साइड का केसिंग खोलेगा ना, तो इसके अंदर में एक पैकिंग आती है, वो पैकिंग ख़राब होती है, तो पैकिंग एक्चुअली अवेलेबल थी नहीं, तो उसके वजह से हमने ले लिया ये MCL का क्लियर RTV सिलिकॉन सीलेंट। ये एक्चुअली पैकिंग का ही काम करता है, इसे आप डायरेक्टली लगा दोगे आपके साइड्स में तो ये पैकिंग का ही काम करेगा। ये जला हुआ, ये जला हुआ, ये जला हुआ। तो ये सब पार्ट जो ब्लैक दिख रहे हैं, ये कॉइल का जो पार्ट है ये जल गया, तो इस वजह से ये ख़राब हो गया। सो इस प्रोसेस में आपको एक चीज़ का ध्यान देना होगा कि आपका जो ये साइड का केसिंग है, ये निकालने के बाद थोड़ा इंजन ऑयल आपका जो है वो थोड़ा गिरेगा, मतलब थोड़ा निकल जाएगा, तो आपको बाद में जब ये फिट करने के बाद थोड़ा ऑयल टॉप अप करना पड़ेगा। दिस इज द ओल्ड वन, जो कि पुराना वाला हमारी बाइक में ऑलरेडी लगा है, और ये वाला जो है ये नया वाला है। पैकिंग जो है हमारी वो जा चुकी है, एज यू कैन सी, ये देखो निकालने में, तो जो ट्यूब आपको मैंने बताया था उससे अब पैकिंग बनाई जाएगी।
एज यू कैन सी इंस्टॉलेशन तो पूरा अभी हो गया है मैग्नेट कॉइल का, और ये जो छोटा सा पॉकेट जो होता है उसका भी कवर लगा दिया है। ऑयल अभी वापस से डालना बाकी है, और अभी वोल्ट मीटर लगा कर हम चेक करेंगे हमारी बैटरी का पावर कितना आ रहा है। एंड आई होप आपकी बार 12 वाट के ऊपर ही आए, नहीं तो अटैक आ जाएगा मेरे को बॉस। 2750 रुपये और खर्चा हो गए, 5,500 रुपये सर्विस के टाइम पर खर्चा हो गया, उसके बाद अभी बैटरी भी नहीं आई उसके ऊपर 1500 रुपये कुछ और खर्चा हो गया। खर्चे ही दे रही है भाई, चला कम रहा हूँ खर्चे ज़्यादा दे रही है। बट द थिंग इज ये CBR इज माय फेवरेट बाइक आउट ऑफ ऑल माय बाइक्स। यस गाइस, सो गाइस ये है वोल्ट मीटर और कुछ इस तरीके से आपको चेक करना पड़ता है। तो अब है परीक्षा की घड़ी, बाइक को ऑन करेंगे। पहले आ रहा था 12 वॉट्स, अब आ रहा है 14 तक। तो जैसे मैंने बताया था, मेरा आ रहा था बाइक ऑन करने के बाद वोल्ट मीटर चेक करने में 12 वॉट, तो अब आ रहा है टोटल 14 वॉट। मतलब कॉइल खराब था, कॉइल चेंज हो गया, अब बैटरी कभी डाउन नहीं, डाउन होगी अगर ज़्यादा टाइम तक नहीं चलाना, बट ये बाइक को मैं चलाने वाला हूँ, दैट इज़ माई प्रॉमिस। तो कैसे अगर आपकी भी बाइक में ऐसी प्रॉब्लम हो रही है कि आप बैटरी फुल चार्ज करने के बाद जब आप थोड़ी देर चलाते हैं उसके बाद में अगर बाइक बंद पड़ जा रही है, बैटरी डाउन हो जा रही है, तो फर्स्ट थिंग टू बी चेक इज द रेक्टिफायर। अगर रेक्टिफायर में प्रॉब्लम नहीं है तो फिर तो डेफिनेटली जो मैग्नेट कॉइल है उसमें प्रॉब्लम होगा। तो मैंने आपको दिखा दिया कि CBR में इस तरीके से होता है, और आपकी अगर कोई और भी बाइक होगी तो भाई बाइक का जो है वो सबका सेम ही प्रोसीजर है, रेक्टिफायर चेक करो या तो फिर मैग्नेट कॉइल। सो आई होप आपको ये छोटा और सिंपल ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, टेक केयर एंड चाओ। सो वो केसिंग निकालने के बाद जो ऑयल हमारा रह गया था वो ऑयल हम फिर से फिल कर रहे हैं। इट्स नॉट इवन बीन 1000 किलोमीटर्स मैंने अभी तक ये बाइक चलाया है सर्विस होने के बाद, तो ये नया ऑयल है, वेस्ट नहीं हुआ।